दोस्तों नमस्कार, आपका अपना इंद्रियंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों आजकल आपने किसान भाई देखे होंगे एक ही फसल के पीछे पड़ जाते हैं और उसे ही लगातार करते रहते हैं, चाहे घाटा हो चाहे नफा हो। दोस्तों समय के हिसाब से किसान भाई को अपने आप में बदलना होगा जब भी वो अपनी खेतीबाड़ी में लाभ ले सकता है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक एकड़ की बागवानी है अमरूद की और किसान भाई बहुत ही शानदार ये खेती कर रहे हैं। इन्होंने मुझे दिखाया कि शर्मा जी हम जो है बहुत ही शानदार अमरूद की खेती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अमरूद भी काफ़ी अच्छा अमरूद इनके इसमें आ रहा है। ऐसा क्या कारण है इनके खेतों में जो क्या इतनी बढ़िया खेती ये कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेते हैं किसान भाई से। नमस्कार भाई जी। नमस्कार किसान। जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपना परिचय कराइए। मैं गांव एचवाड़ा डिंगर जी कुलदीप सिंह जी यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा अब ये बताइए, जैसे क्या आप और भी फसलें कर सकते थे, आपने इसे अमरूद की बागवानी को क्यों क्यों चुना और इसमें क्या लाभ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अमरूद की बागवानी में एक सबसे बड़ा फायदा यह है एक बार लगाओ और भूल जाओ। अच्छा कितने समय के लिए, मतलब जो है 20-25 साल के लिए, तो फिर टेंशन फ्री है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा जैसे किसान भाई नया किसान भाई से करता है, कॉस्टली एक पेड़ की क्या पड़ती है और एक एकड़ में कितनी लागत इसमें शुरुआत में आ जाएगी पौधा लाने में जो है लगभग? पौधा लेकर 20-25 रुपए से लेकर 35-40 रुपए जी, और जो अच्छी क्वालिटी का विदेशी प्लांट लेना चाहो ताइवान वाला जी, ताइवान है वो 150 रुपए तक की रेंज में आता है। आपकी हम जो ये बागवानी देख रहे हैं बहुत ही शानदार एक समान के बिल्कुल इसमें पौधे हैं, तो ये बताइए आपने इसमें कौन सा पौधे का चुनाव इसमें किया? ये इलाहाबादी अमरूद। अच्छा इलाहाबादी अमरूद है, अमरूद की क्वालिटी देख रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही एक समान है और बहुत ही शानदार सीमित है ये। इसके अंदर ये बताइए कि रोग का क्या सिस्टम है, रोग तो ज़्यादा नहीं लगते हैं इसके अंदर? जैसे क्या कपूर है, कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी जी। पेड़ के नीचे गंधक है। अच्छा गंधक और कपूर जला सकते हैं। अच्छा उससे जो मक्खी है वो पौधे पर नहीं आएगी और जो है फल हमारा खराब नहीं होगा। अच्छा जो उसकी चमक है वो बनी रहेगी। जी जी अब आप ये बताइए कि आपका जो अमरूद है ये बागवानी आप ये ऑर्गेनिक करते हो या केमिकल पे से आप करते हो? नहीं ये तो ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ऑर्गेनिक में आप इसमें पहले क्या क्या डालते हो, इसे जीवामृत वगैरह कुछ डालते हो? पहले इसमें सबसे पहले इसमें जब प्लांट लगाया था अच्छा तो ऑर्गेनिक जानवरों वाला खाद डाला था जो अपने घर का होता है, कहीं से मोल नहीं लाना जी 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 करना जी। उसके बाद में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत है मार्केट में, अब हमने इस साल जो इसमें डाला है वो न्यू लीप कंपनी का, राजकोट गुजरात की कंपनी है। अच्छा नहीं मैं आपके अमरूदों की जी आपके अमरूदों की क्वालिटी बिल्कुल अलग देख पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी इसमें आपकी बागवानी के अंदर मैं अमरूद खाने के लिए आया था तो इतना शानदार अमरूद नहीं था तब, इस कारण इसमें मोटा अमरूद आने का क्या कारण रहा जी ये बताइए? इसमें एक तो हमने ऑर्गेनिक में पंचगव्य डाला था। अच्छा और वर्मी वास का यूज किया है। अच्छा वर्मी वास का भी आपने यूज किया। हाँ। और जो न्यू लीफ कंपनी का आपने जो बता रहे थे अभी, न्यू लीफ कंपनी का, अच्छा ये जो पेटी देख पा रहे हैं ये अभी मंगवाया हमने 2 महीने पहले। अच्छा अच्छा इसका रिजल्ट काफी बहुत बढ़िया है। 2 महीने पहले डाला अब फिर आपने डाला आज? अब जो है आज फिर डाल रहे हैं, आज फिर डाला आपने जो है पौधे से भी जो है आधे से ज्यादा फ्रूट तो हम ले चुके हैं, लेकिन जो इसमें छोटा फ्रूट है जी वो जल्दी से तैयार हो, उसकी क्वालिटी चमक में थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाई दे जी, लास्ट वाला अमरूद जो क्वालिटी थोड़ी हल्की हो जाती है, इसलिए हमने ये न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैन्योर इसमें डाला है। अच्छा आज फिर जी। अब जैसे मैं बात करता हूँ आपके लाभ पर आते हैं, जैसे पिछले साल आपने बताया कि हमने ऑर्गेनिक ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें हम इस्तेमाल करते थे ये खाद नहीं डाला था, पिछले साल की आपकी इसमें जो है क्या बोलते हैं लाभ के मुकाबले में और इस बार के लाभ में कितना अंतर आ रहा है, कितना आगे इस बार लाभ ज्यादा है या कम है, किस प्रकार इस बार जो 25-30% ज्यादा है? ज्यादा है। अच्छा प्रोडक्शन जो है हमारा जी जी। तो ये न्यू लीफ जो खाद बता रहे हैं आप ये केमिकल वाला तो नहीं है? नहीं नहीं ये तो ऑर्गेनिक ही है। आप कब से इस्तेमाल कर रहे हो लगभग जैसे जो है? ये लगभग जो है पहले और दूसरी फसल में भी हमने इस्तेमाल किया है, रिजल्ट बढ़िया था उसमें भी, अच्छा अब जो अमरूद में डाला है। अच्छा इसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है? हाँ रिजल्ट बढ़िया है। थोड़ा सा उठा के दिखाइए मेरे किसान भाइयों किस प्रकार से है ये जो है, जिस तरह से क्या अपने
जानवर के खिलाने वाली फीड होती है उसी टाइप का बना हुआ है, इसे डालने में। अच्छा, इस प्रकार से ये पूरी जैसे कि हमारी ये गोली वाली खल होती है, जो उसी प्रकार वाली फीड है सेम उसकी तरह बना हुआ है, इसे डालने में कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आप जैसे क्या इस अमरूद को मंडी के अंदर ले जाते हो, पहले के स्वाद के मुकाबले जो आपके जो किसान भाइयों जो लेते हैं आपसे, जो व्यापारी वर्ग लेता है, वो कैसा बताता है इस अमरूद को? अमरूद बढ़िया है, स्वाद में भी अंतर आया है। अच्छा अच्छा, अमरूद पहले से थोड़ा मीठेपन में ज्यादा है जी। पहले जो है अमरूद में इतना मिठास नहीं था जी। अब जैसे कि मान के चलो मेरा किसान ने शुरुआत करी है, उसने अपनी बगिया की, तो पहले साल में वो कितना डाल दे, और दो जैसे मान के 2 साल का पौधा है उसका, तो वो कितना डाले और 4 साल के में कितना डाल दे? स्टार्टिंग में तो 200-300 ग्राम पौधे में डाल सकते हो ज्यादा। अच्छा, ज्यादा 2 साल का हो जाए तो एक साल तक, उसके बाद डोज डबल कर दो, उसके और 2-3 साल बाद और डबल बढ़ा दो, और लास्ट में जो है फुल जो है पूरा, जैसा आपका 4 साल का हो गया कितना डाल, 4 साल या 8 साल या 10 साल का प्लांट है तो उसमें जो है 1.5 से 2 किलो तक डाल सकते हैं, 2 किलो तक डाल सकते हैं। तो चौधरी साहब, आपको ये आपने ये न्यू लीफ का जो आपने प्रोडक्ट डाला है, तो किसान भाई इससे जो है कैसे कैसे मंगवा सकता है, आपको कैसे आया ये जो है? गुजरात से आता है। हाँ, एक पैकेट तो नहीं आ सकता, पर कम से कम 10 बैग ये इसके 25-25 kg के मंगवा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे किसान भाइयों को ये अमरूद देखो आपके हम देख पा रहे हैं, बहुत शानदार हमें तो ये लग रहे हैं। तो किसान भाई, आप किसान हो, आप पे विश्वास करेगा, तो क्या इस्तेमाल इसे किसान भाई कर सकता है क्या? बिल्कुल इसे इस्तेमाल कर सकता है, बहुत बढ़िया है जी। वातावरण और जैसे मान के चलो आजकल केमिकल पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मतलब ज्यादा मतलब केमिकल डाल रहा है, और हमारे स्वास्थ्य में ही वो हमारे शरीर में आना ये है। तो जी, फ्रूट तो एक खाने का रोज का खाने का जी आइटम है, इसमें जो है अगर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक में कर सकता है किसान, तो इसकी ओर जो बढ़ावा देना चाहिए किसान को, इसके प्रति जो जागरूक होना चाहिए जी, और भाइयों को भी ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में पूरे जो है सभी वातावरण के हिसाब से भी और किसान भाइयों के क्या जो भी यूज करने वाला है, जो भी खाएगा, केमिकल लगा हुआ होगा तो केमिकल जाएगा शरीर में। अच्छा अच्छा, और अगर ऑर्गेनिक है तो उसका कुछ बेनिफिट ही है। अब जैसे कि हम ये आपके इधर देख पा रहे हैं, डालने का क्या प्रोसीजर रहता है, इसे कैसे कैसे डालते हैं? ये पौधे की जो है 2 फीट छोड़ के पेड़ से चारों तरफ डालने के बाद इसकी जो है गुड़ाई कर दी जाएगी और पानी। अच्छा, मतलब इसके जड़ को छोड़कर ही इसमें डाला जाता है? जड़ को छोड़कर, जड़ छोड़ने का क्या कारण रहता है साहब इसका? जड़ पे तो इसके जो रूट है, जो भोजन ग्रहण करने वाली रूट है, वो जो है जड़ से 1 मीटर दूर होता है। अच्छा अच्छा, कुछ किसान जो नए होते हैं वो तो जड़ में डाल देंगे, जड़ में उसका तना गल जाएगा अगर। अच्छा, केमिकल अगर डालोगे या एनपीके डालते हो या यूरिया डालते हो, जड़ पे डाल दोगे तो वो गल जाएगा, वही इसमें ऑर्गेनिक में सिस्टम होगा, क्योंकि जड़ सहन नहीं कर सकते। कोई सा भी हो खाद, कोई सा भी हो, वो जो जड़ से दूर डालना चाहिए ताकि वो पूरा जो है 100% उसे ग्रहण कर ले। अच्छा, पौधा जड़ द्वारा। आपकी जो है बागवानी लगभग ये कितनी होगी? ये 1 एकड़ से ज्यादा है। अच्छा, आपके लगभग कितने पैकेट इसमें लग जाते होंगे जो ये 25-25 किलो वाले? ये 4-5 बैग लग जाएंगे, 4-5 बैग 25-25 किलो वाले आराम से, फिर उसमें जो है बहुत जाता है। अब आपने पहले 2 महीने पहले बखेरा था, कितने समय पहले बखेरा? 2 महीने पहले डाला था। अच्छा, अब ये अब डाल रहे हो? अब डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो आने वाली फसल आएगी, जब उसकी फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा एक बार, तब डाला जाएगा, फिर डाला जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए जैसे कि आप तो अमरूद की बगिया है आपकी, और कौन सी फसलों में हम इसे डाल सकते हैं? जैसे क्या सब्जी वाली फसल है, बागवानी है, टमाटर है, मिर्च है, स्ट्रॉबेरी, आलू है, स्ट्रॉबेरी है, सभी में डाल सकते हैं, वैरायटी है उसमें, किसी में भी डाल सकते हैं, नींबू वगैरह इसमें सभी में डाल सकते हैं। फल के लिए स्पेशली जो है इम्प्रूव्ड किया हुआ। तो किसान भाइयों देखिए, आज चौधरी साहब ने इतनी अच्छी जानकारी आपको दी, मैं यहाँ से जो है निकल कर जा रहा था और चौधरी साहब ने बोला कि आप हमारी बगिया के अंदर आइए, हमारे जो अमरूद की क्या क्वालिटी है इसे देखिए, और किसान भाइयों को आप जब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो किसान भाइयों को इसे दिखाइए। तो किसान भाइयों, मेरा मकसद होता है कि आपको एक से एक बढ़िया वीडियो अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊँ। आप देख सकते हैं एक से एक शानदार बाग में इसमें अमरूद है,
और बहुत ही शानदार ये ऑर्गेनिक खाद काम कर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार शानदार ये भाई के हाथ में अमरूद हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें किसान भाइयों को अमरूद के अंदर प्राप्त हो रही है। और मुनाफे की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले किसान भाइयों मुनाफा इस बार अमरूद की खेती में किसान भाई को बढ़कर मिल रहा है। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।